हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू लास्ट वन वीक का जो लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ उठ के आ रहा है कतर से, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं कतर के ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ जो उठ के आ रहा है वो आ रहा है कतर का और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो सदियों से बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में 7 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं, मतलब इंडिया का इकोनॉमी में कतर का एक बहुत बड़ा हाथ है। नॉट ओनली इकोनॉमी, इन दोनों मुल्कों के बीच बहुत सारे स्टेप भी लिया गया है टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स। तो इस रिगार्डिंग इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कतर का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल्तानी जी से विजिट करने के लिए कतर आ चुका है। ओके, तो इस मीटिंग के दौरान हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पहले से ही कतर का इंडिया का रिलेशन तो बहुत अच्छा था ही, मगर इसके बाद भी कतर में इंडियन के लिए जो वैकेंसी होता है या तो फिर इंडियंस के लिए जो कोटा होता है वो भी फ्यूचर में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे इंडियन आदमी कतर में जाके इनकम करते हैं और उसका फैमिली का गुजारा करता है। ओके, तो इस मुलाकात के दौरान हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कतर के साथ इंडिया का रिलेशन और भी अच्छा हो और हम लोग को वहां पे जाने के लिए फैसिलिटी और वहां पे जाने के लिए जॉब वैकेंसी भी ज्यादा मिलता रहे। ओके, सेकंड जो न्यूज आ रहा है वो हमाद पोर्ट से आ रहा है। हमाद पोर्ट में फिर से जो चीविंग टोबैको है, बहुत सारे आदमी मुझे पूछते हैं कि चीविंग टोबैको जो है वो इंडिया से पाकिस्तान से ले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट उदाहरण दे रहा हूं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमाद पोर्ट में चीविंग टोबैको स्मगलिंग होने से फिर से पकड़ा गया, जिसका वेट था 4482 किलोग्राम और जिसको टोटल 3586 पार्सल में डिवाइड करके वहां पे टोटल क्लॉथिंग और गारमेंट्स का बीच में छुपा के ले जाया जा रहा था। तो वहीं पे हमाद पोर्ट में उसको स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया गया। उसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि एक बार ड्रग्स केस में अगर फंसते हैं तो उसका बाद क्या हो सकता है, तो बी केयरफुल। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज जो आ रहा है वो आ रहा है जो कोविड का वैक्सीन जो है, मैं आप लोगों को बताया था कि कोविड का वैक्सीन ऑलरेडी 23rd December से देना चालू हो गया है। तो यहाँ पे जितना भी एजेड पर्सन है 70 इयर्स के ऊपर और जितना भी गवर्नमेंट का हायर ऑफिशियल्स है, उन लोगों को वैक्सीन देना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हेड ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ MOPH डॉक्टर सोहा अलबैट, उन्होंने कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये टोटली सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है फिर भी अभी तक सबको तो वैक्सीनेशन अभी तक नहीं दिया गया, तो कतर में अभी जो रेस्ट्रिक्शन है, जो रूल है, वो सब कुछ मान के चला जा रहा है। मगर अभी भी जो है आज का दिन में टोटल 100 आदमी को फिर से पकड़ा गया कि पब्लिकली उन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर जो आ रहा है, कुछ दिन पहले बहरीन का कुछ एयरजेट कतर के एयर बॉर्डर को क्रॉस करके वायलेट के कतर में घुस गया था। इसके पहले भी कुछ दिन पहले कुछ सेलर जो है वो कतर का सी बॉर्डर को क्रॉस करके कतर में घुस गया था। छोटा मोटा अनबन तो कतर के साथ बहरीन का लगा हुआ ही है। इसके रिगार्डिंग कतर ने यूएन नेशन सिक्योरिटी को, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी को, इसके बहरीन के बारे में कंप्लेन दर्ज किया। तो वहां से बहरीन ने यह कंप्लेन को टोटली खारिज कर दिया, मतलब वहां से कहा गया कि हम लोग ऐसा कोई भी काम अभी तक नहीं किया है। तो ये जो छोटा मोटा संघर्ष कतर और बहरीन के बीच लगा हुआ है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसका कोई भी इफेक्ट जो गल्फ में आने वाला समिट है उसमें पड़े। ओके, और लास्ट खबर जो आ रहा है वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा है। कतर से कहा गया कि पैसेंजर सेफ्टी के बाद मद्देनजर रुकते हुए वहां पे सेपरेट कियोस्क बनाया गया है, मतलब बैग ड्रॉपिंग सर्विस, जहां पे वहां पे कोई भी पैसेंजर टोटली कॉन्टेक्टलेस होकर बैग वहां पे चेक इन कर सकता है, चाहे कि कोविड का ये जो वायरस है ये एयरपोर्ट में फैलने से रोका जा सके। ओके, तो ये जो 5 न्यूज थे कतर का लास्ट वीक से आज तक का टोटल जो इंपॉर्टेंट न्यूज था, मैं आप लोगों के साथ आज को शेयर कर दिया। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं ऐसे ही कतर के बारे में लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।